मोकामा के व्यवसायी नहीं बोल रहे, ना वे इसके संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज, वे इसके संबंध में किसी को शिकायत कर रहे हैं। और ये सबसे भाजपा के अध्यक्ष को ही कैसे मालूम हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे या इस बात को बेमतलब तूल देने का जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। बिहार के दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। सबसे ज्यादा जो नजर है वो मोकामा सीट पर है। मोकामा से पूर्व विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब बीजेपी लंबे समय के बाद मोकामा में अपना उम्मीदवार जो है वो बनाई हुई है। बीजेपी पहली बार मोकामा में लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रही है। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित तमाम बीजेपी के नेता मोकामा में हो रहे चुनाव को लेकर काफी जो पसीना है वो बहा रहे हैं। भाजपा की पूरी टीम मोकामा में कैंप की हुई है। हर हाल में अनंत सिंह के गढ़ में भाजपा सेंधमारी करना चाहती है, और यही वजह है कि रोज नए नए खुलासा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी दफ्तर से यह खुलासा किया और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि अनंत सिंह बेऊर जेल में बैठकर मोकामा के जो व्यवसायी हैं उनको फोन पर धमकी दे रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में अगर आप वोट नहीं कीजिएगा तो फिर मोकामा में आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। संजय जायसवाल के आरोप लगाने के बाद बिहार सरकार के वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया। विजय चौधरी ने सीधे तौर पर भाजपा के ऊपर पलटवार किया। मोकामा सीट को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से मोकामा में घटनाएं घट रही है और बीजेपी के नेता जिसे लेकर बातें कर रहे हैं वो पूरा का पूरा मामला संदेहास्पद लगने लगा है। अगर मोकामा में कोई वारदात हुई है तो इसकी शिकायत पुलिस कर की के पास पहुंची है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से इस तरीके के बयान दे रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि मोकामा में भाजपा कोई और खिचड़ी पका रही है और राजद के जो उम्मीदवार हैं और उनके जो लोग हैं यानी पूर्व विधायक अनंत सिंह को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कई बार सफाई आया है महागठबंधन उम्मीदवार के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर अब यह आरोप लगा दिया है कि संजय जायसवाल को कैसे पता चल जाता है कि मोकामा में क्या कुछ हो रहा, कहीं ये तार जो है बीजेपी और जो मोकामा की बातें किया जा रहा है, जो जेल से बातें की जा रही है, वो आखिर वो संजय जायसवाल को पहले कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा मामला अगर कहीं कुछ हो रहा है तो पुलिस के पास पहुंचेगा, ना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पास। आखिर किस सबूत के आधार पर, किस एविडेंस के आधार पर संजय जायसवाल इस तरीके की बात कर रहे हैं ये देखना होगा। विजय चौधरी ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी के ऊपर पलटवार करते हुए ये आरोप लगा दिया है कि मोकामा में लोगों को डराने और लोगों को भय दिखाने का काम भाजपा कर रही है। सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। बात मोकामा के व्यवसायी नहीं बोल रहे, ना वे इसके संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं, ना वे इसके संबंध में किसी को शिकायत कर रहे हैं। और ये सब शिकायत हमारे भाजपा के अध्यक्ष को ही कैसे मालूम हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे या इस बात को बेमतलब तूल देने का जिम्मा उन्होंने उठा लिया है।